दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जांबाज सेना 12 इंच की खुखरी से दुश्मनों को करते हैं ढेर। दोस्तों जिस तरह हम हर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अपने देश के लिए गर्व महसूस करके भावुक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हमारे सामने हमारे देश के जांबाज सिपाहियों की बात आती है तो उनके बारे में सुनकर भी हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन हमारी भारतीय सेना में एक रेजिमेंट ऐसी भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उनका हथियार एक बार जब म्यान से निकलता है तो वो बिना किसी का खून बहाए वापस म्यान में नहीं जाता, और इस रेजिमेंट को भारत की सबसे खतरनाक रेजिमेंट माना जाता है। जी हाँ, हम गोरखा रेजिमेंट की बात कर रहे हैं। तो आखिर इस रेजिमेंट में ऐसा क्या है कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, उस बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले अगर गोरखा सैनिकों की शुरुआत की बात करें तो नेपाल में गोरखा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जहां गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी है। दोस्तों इन्हें ये नाम हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के जवान नहीं होते बल्कि पहाड़ों पर रहने वाली कई जातियों के लोगों से मिलकर ये रेजिमेंट तैयार की जाती है। जन्म के बाद ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कि डर कर जीने से लाख गुना बेहतर है मर जाना। अब दोस्तों अगर हम इनके हथियारों की बात करें तो गोरखा रेजिमेंट के जवान खुखरी लेकर ही सामने वाले को मार गिराने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा हथियार है जो बेहद खतरनाक होता है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा कारगर भी। जहां ये और कुछ नहीं बल्कि 12 इंच की तेज धार वाली कटार होती है, और हर गोरखा सैनिक के पास आपको एक कटार मिल जाएगी क्योंकि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सैनिकों को इस हथियार से नवाजा जाता है जिसे पाकर वो गोरखा सैनिक होने का फख्र करते हैं। अगर हम गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग की बात करें तो भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई शख्स कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। जहां गोरखा सैनिकों को एक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जहां ये ट्रेनिंग पूरे 42 हफ्तों की होती है जिसमें सैनिकों को कई मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है ताकि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को डटकर मुकाबला कर सके, जहां उन्हें छोटे से छोटे हथियार से लेकर बड़े से बड़े हथियार में महारत हासिल करवाई जाती है ताकि वो किसी भी तरह के हथियार को आसानी से इस्तेमाल कर पाए। अब यहां अगर नर भैंस की बलि की बात करें तो हिंदू धर्म में अक्सर माना जाता है कि किसी जरूरी या खतरनाक कार्य को शुरू करने से पहले देवी देवताओं के लिए बलि चढ़ाना शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर हम प्राचीन युद्ध के बारे में जाने तो वहां पर हर युद्ध से पहले बलि को शुभ माना जाता है। ठीक उसी तरह गोरखा रेजिमेंट अभी भी इस रिवाज का पालन करती है तथा दशहरे के त्योहार के समय नर भैंस की बलि दी जाती है। ये बलि दल के सबसे कम उम्र के सदस्य को अपनी खुखरी से नर भैंस के सर को एक ही बार में धड़ से अलग कर देना होता है। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इस दल के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों को कितना ज्यादा मानते हैं। अब दोस्तों अगर हम विश्व युद्ध के दौरान गोरखा रेजिमेंट की एक बड़ी भूमिका की बात करें तो उसके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट न केवल भारतीय सेना में अपनी अहम भूमिका निभाती है बल्कि विश्व युद्ध में भी गोरखा रेजिमेंट ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गोरखा रेजिमेंट ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। हम आपको बता दें कि पहले विश्व युद्ध के दौरान कुल 2,00,000 गोरखा सैनिक शामिल हुए थे जिनमें से करीबन 20,000 शहीद हुए। वहीं अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो उसमें 2,50,000 गोरखा सैनिक शामिल हुए थे जिन्होंने विश्व युद्ध में देश की तरफ से काफी भारी समर्थन दिया। दोस्तों अगर हम भारतीय सेना की वीरता व शौर्य की बात करें तो हमारे पास शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में कहने के लिए बातें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि हमारी भारतीय सेना इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी भी देश की सेना से लोहा लेने के लिए कभी भी तैयार रहती है। ऐसे में गोरखा सैनिक भारतीय सेना के बहुत ही मजबूत और अमूल्य भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना में करीब 40,000 गोरखा मौजूद है जो कि वाकई में बहुत बड़ी संख्या है। हम आपको बता दें कि किसी एक रेजिमेंट के लिए भारतीय सेना में हर साल करीब 1200 से लेकर 1300 तक गोरखा सैनिक भर्ती होते हैं जो कि हर मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं।
अब तो आप ये जान ही चुके हैं कि किस तादाद में गोरखा सैनिक हमारी भारतीय सेना में मौजूद हैं। तो अगर हम आपसे ये कहें कि भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने हर दुश्मनों की बैंड बजाई है, तो हम कहीं से भी गलत नहीं कहेंगे। वाकई में भारत की सेना ने कई बार ये साबित कर दिया है कि वो किस कदर अपने देश के मान सम्मान के लिए किसी को भी हराने का दम रखती है, और हम आज भी हर मुसीबत के लिए खड़े हैं। पर हम आपको बता दें कि भारत ने जिन अहम युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाई है, उन सभी में गोरखा रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि गोरखा रेजिमेंट को भारत की सबसे खतरनाक रेजिमेंट माना जाता है, ऐसे में दुश्मन को सबसे खतरनाक और दर्दनाक मौत भी गोरखा सैनिकों द्वारा ही दी जाती है, जहां इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्होंने एक बार अपनी खुखरी म्यान से बाहर निकाल ली तो बिना खून का कतरा बहाए वो खुखरी को वापस म्यान में नहीं रखते। ऐसे में अगर इस खुखरी से दुश्मनों का खून नहीं लगा है, तो उसके मालिक को अपना खून बहाकर उसमें लगाना होता है, तभी जाकर उसे म्यान में डालने की इजाजत दी जाती है। ये गोरखा सैनिक इतने ज्यादा ईमानदार होते हैं कि जब वो किसी का खून नहीं बहाते तो वो अपना ही खून बहाकर अपनी खुखरी को सलामी देते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गोरखा सैनिकों की खुखरी वाकई में खून की प्यासी होती है। शायद आपको ये नहीं मालूम होगा, पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी गोरखा राइफल्स के जवानों की अहम भूमिका रही थी। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरखा रेजिमेंट को परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे तमाम शौर्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको गोरखा रेजिमेंट के बारे में सुनकर काफी फक्र महसूस हुआ होगा। अगर हाँ, तो हमारी भारतीय सेना के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।